नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है पुंछ से, कि 5 पुंछ से पॉजिटिव केसेस आए, वहीं बात करें 1 रजौरी से और 1 रामबन से भी पॉजिटिव केस सामने। तो सबसे पहले रुख करते हैं पुंछ का, जहां पर हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो जमशेद, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार जिस तरह पुंछ से भी जो है पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी है? जसलीन, बिल्कुल, पुंछ से पॉजिटिव केस आने का सिलसिला काफी तेज रफ्तारी में शुरू हो गया, क्योंकि पिछले 24 घंटे में अगर आप बात करें तो पुंछ से 9 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें कल 4 आए थे और आज 5 केस सामने आए, और उन 5 की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र से है, और इसमें एक बाप बेटा और बेटी भी शामिल है, जिनकी रिपोर्टें आज पॉजिटिव आई है। इसी तरह राजौरी से भी 1 केस पॉजिटिव सामने आया, और 24 घंटे में पिछले राजौरी और पुंछ से 10 केस पॉजिटिव सामने आए, और इस तरह टोटल हिस्ट्री जो हमारी 27 लोगों की बन चुकी है, जिसमें 10 पॉजिटिव एक्टिव इस वक्त राजौरी में और 17 एक्टिव इस वक्त पुंछ में है। हालांकि पुंछ एक ऐसा जिला था जो ग्रीन जिला करार दिया गया था, जिसमें कोई भी पॉजिटिव केस पहले सामने नहीं आया, और लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ ही क्वारंटाइन सेंटरों से पुंछ में पॉजिटिव आने का सिलसिला जो शुरू हुआ, और उसमें सबसे ज्यादा तादाद जिन लोगों की है वो सुरनकोट से ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि 17 में से सिर्फ 2 केस ऐसे हैं जिनका ताल्लुक, एक का मंडी से है और एक का मेंढर का, और 15 लोगों का ताल्लुक सुरनकोट से है, क्योंकि ये काफी तादाद में लोग जो बाहर गए हुए थे मजदूरी के लिए, ये वापस लौटे हैं और इनके क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जहां इनकी रिपोर्टें पॉजिटिव आना शुरू हुई। और इस तरह अगर हम ये देखें कि पिछले 24 घंटे में राजौरी पुंछ से 10 केस पॉजिटिव सामने आए हैं। जी बिल्कुल जमशेद, वही खबर भी सामने आई थी कि बात करें, एक टेस्टिंग लैब भी जो है वहां पर इनॉग्रेट हो चुकी है और टेस्टिंग जो है वहां पर शुरू हो गई। जी जसलीन, बिल्कुल, पुंछ की बात यहाँ तक करेंगे, क्योंकि पुंछ के लिए एक पहले बड़ा चैलेंज ये जरूर रहा है कि पुंछ की जो टेस्टिंग लैब थी वो टेस्ट सैंपल कलेक्ट करने के लिए पुंछ से लोगों को राजौरी भेजा जाता था, जहाँ इनके टेस्ट कलेक्शन किए जाते थे इनके टेस्टों की। उसके बाद पुंछ में अपने कलेक्शन सेंटर जो है बहुत बड़े पैमाने पर खोले, जिसमें मंडी में भी कलेक्शन सेंटर खोला गया है, सुरनकोट में कलेक्शन सेंटर खोला गया, और मेंढर में भी कलेक्शन सेंटर खोला गया, और सबसे बड़ी बात है राजौरी पुंछ का बॉर्डर है, जहाँ बीजी जिसको बोलते हैं, वहां पे भी पुंछ वालों ने अपना कलेक्शन सेंटर खोला है। इस तरह अगर हम राजौरी की बात करें तो राजौरी में मेडिकल कॉलेज में ही कलेक्शन सेंटर था, मगर अब थाना मंडी में भी एक कलेक्शन सेंटर खोल दिया गया है, क्योंकि लोगों के बाहर से आने का लगातार सिलसिला जारी है। अगर हम इस वक्त बात करें कि हालांकि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से बाहर जो लोग फंसे हुए हैं या यहाँ के लोग हैं उनको भेजने का काम भी हो रहा है, बाहर से लोगों को लाने का काम है, इसके बावजूद भी लोगों का अभी भी मगर रोड की तरफ से पैदल चलकर आने का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसमें देर रात को थाना मंडी से एक बंदा जो घोड़े पे पहुंचा है थाना मंडी में, जिसको क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। और सबसे बड़ी बात यह है जसलीन के उस घोड़े को भी अगर हम ये कहें कि क्वारंटाइन कर दिया, गलत नहीं है, क्योंकि इस हवाले से हमारी तहसीलदार से बात हुई, उन्होंने ये जरूर कहा कि इसको क्वारंटाइन नहीं कहेंगे, क्योंकि जब घोड़ा उनके मालकों को दिया गया, उनको ये कहा गया है कि ये घोड़ा बाकी जानवरों से दूर रखा जाएगा तब तक जब तक इस बंदे की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक इस घोड़े को बाकी जानवरों से अलग रखा जाएगा। ये अपनी तरह का पहला एक मौका होगा कि किसी जानवर को क्वारंटाइन किया गया, वो भी राजौरी में। इस तरह अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त राजौरी पुंछ प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, जिसके चलते हुए वो हर तरह के एहतियाती कदम उठा रहे हैं, इसी एहतियाती कदम के तहत इस घोड़े को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है, और जो इसका मालिक था उसको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस तरह अगर राजौरी पुंछ की हम बात करें, क्योंकि राजौरी जिला एक ऐसा जिला रहा जहां से एक बस्ती से एक पॉजिटिव केस सामने आए थे, जहां मंजाकोट हो गया, चाहे वो नौशहरा हो गया, मगर वो सबके सब ठीक हो चुके हैं, मगर पुंछ जिला के लिए अच्छी खबर ये रही थी कि पुंछ से किसी बस्ती से या किसी शहर से कोई सामने पॉजिटिव केस नहीं आया, जो भी पॉजिटिव केस आए उन सबकी ट्रायल हिस्ट्री थी और सबके सब क्वारंटाइन सेंटरों से ही पॉजिटिव आए हैं। जी बिल्कुल जमशेद, यहाँ पर हमारे साथ वजीर मुगल हैं, वो मुगल रोड के लिए अपडेट पूछ रहे हैं। जसलीन, बिल्कुल, मुगल रोड के हवाले से जिस तरह पहले लॉकडाउन के दौरान पहले चरण में ही मुगल रोड को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया था, और मुगल रोड को उस वक्त लोगों की तरफ से, खास करके राजौरी पुंछ के लोगों की तरफ से बड़ा एतराज किया गया था इस पे, कि इस वक्त शोपियां एरिया जो सबसे ज्यादा उस वक्त टेंशन में था, जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस आए थे और वो पूरा रेड जोन कर दिया गया था उसका, चाहे पहला गाँव हो हीरपुर, जिसको सबसे पहले शोपियां में रेड जोन किया गया था, क्योंकि सबसे पहले ज्यादा केस हीरपुर से आए थे। उसके बाद प्रशासन ने मुगल रोड को गाड़ियों के लिए खोलना नहीं चाहा, और बंद अभी भी मुगल रोड जो है गाड़ियों के लिए बंद रखी गई है, क्योंकि इस वक्त शोपियां के हालात या कश्मीर के हालात जम्मू प्रोविंस से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वहां बस्ती से काफी पॉजिटिव केस आ रहे हैं, और जो लोग इसमें, दूसरी बड़ी बात यह है कि जो थाना मंडी से पॉजिटिव केस जो दूसरा सामने आया था, पहला थाना मंडी से जो पॉजिटिव केस राजौरी के सामने आया था, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी शोपियां थी, वो शोपियां से थाना मंडी पहुंचा था, जहां क्वारंटाइन सेंटर में रखा, वजह से मुगल रोड से किसी गाड़ी को अभी तक आने जाने की इजाजत नहीं दी गई, अभी तक रोड बंद रखी गई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद, हमें तमाम जानकारी
जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही थी, 5 पॉजिटिव केसेस जो है पुंछ से सामने आ रहे हैं, वहीं 1 पॉजिटिव केस जो है रजौरी से सामने आ रहे हैं। लगातार वही लोग हैं जो बाहर ऑलरेडी गए हुए थे और जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में भी रखा गया है। तो लगातार अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो अभी भी आंकड़ा जो है यहाँ पर थम नहीं रहा, अभी भी आंकड़ा जो है लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और हर तरफ से अगर हम बात करें तो यही हम कह रहे हैं कि लगातार जो है कि अभी भी हमें प्रिकॉशंस लेने की उतनी ज़रूरत, क्योंकि रिलैक्सेशन तो दी गई है, मार्केट्स तो ओपन की गई हैं, पर टाइमिंग्स भी है, पर जब हम बाहर जाएँ तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है पूरा ध्यान रखें। तो वहीं रामबन की ओर अपडेट करने के लिए नदीम हमारे साथ फ़ोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नदीम, बात करें इस वक्त रामबन की, तो क्या कुछ अपडेट जो है रामबन से सामने आ रही है? जी जसलीन, जिस तरह से COVID-19 पॉजिटिव केस की बात करें तो रामबन में आज की डेट में एक और पॉजिटिव केस जमा हो गया, जिसमें अगर देखें तो यहाँ पे ग्राफ लेवल में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। आज की डेट में अगर आज के केस को इंक्लूड करें तो 76 केस हुए, जिसमें एक अभी तक रिकवर हुआ है, 75 एक्टिव केसेस हैं। और आज का जहां तक जो एक केस सामने आया है इसकी बात करें तो ट्रैवल हिस्ट्री वाला है, जो मुंबई से आया था और सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद इसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन जो डिग्री कॉलेज में कायम किया गया वहां पे रखा था, और आज जो इसकी रिपोर्ट है पॉजिटिव की शक्ल में आई है और इसे COVID-19 का जो हॉस्पिटल है वहां पे मुंतकिल किया जाएगा। बिल्कुल नदीम, अगर हम बात करें कल भी 29 पॉजिटिव केसेस जो रामबन से सामने आए थे, लगातार अगर रामबन की बात करें बहुत सारे पॉजिटिव केसेस हैं वहां से सामने आ रहे, तो क्या कुछ सिचुएशन ग्राउंड जीरो पे देखने को मिलती है? जी देखिए जसलीन, जिस तरह से हम देखें क्योंकि जो केसेस है ग्राफ लेवल में जरूर हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, और इसका काज कहीं ना कहीं ये भी है क्योंकि जो लोग यहाँ के थे, चाहे वो स्टूडेंट्स या लेबरर्स या कोई जॉब वगैरह बाहर कर रहे थे आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आउट ऑफ रामबन, तो जब उन लोगों को वापस लाने का सिलसिला शुरू हुआ तो रामबन में जो COVID-19 के पॉजिटिव केसेस का है वो सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अगर रामबन की बात करें, कुछ एरियाज को हालांकि यहाँ पे रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, लेकिन बाकी जगहों पर हम देख रहे हैं, बटोत की बात करें, रामबन की बात करें, या फिर हम गोल संगलदान एरियाज को देखें, राजगढ़ को देखें, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढील मिल रही ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, वो लोगों को मिल पाए ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक बंद ही है। जी, तो लगातार वही लोग हैं जो बाहर ऑलरेडी गए हुए थे, तो वही पॉजिटिव जो इस वक्त ज्यादा पाए जा रहे हैं। जी देखिए जसलीन, इसमें मेजॉरिटी उन लोगों की है, हालांकि कुछ लोग कांटेक्ट वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी इसमें उन लोगों की है जो बाहर से आए हुए हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर से बाहर थे और वहां से जब उनको वापस लाने का, क्योंकि उससे पहले की हम बात करें जब ये सिलसिला नहीं चल रहा था तो रामबन में सिर्फ एक केस था, लेकिन जब बाहर से लोगों को लाने का सिलसिला शुरू हुआ तो रामबन में ग्राफ लेवल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे रिपोर्टर नदीम हमारे साथ थे रामबन से। तो लगातार बात करें पूंछ रामबन की, तो लगातार केसेस जो हैं सामने नजर आते रहे हैं, और अभी भी जिस तरह एक और रामबन से पॉजिटिव केस जो है सामने, तो लगातार वही केसेस जिस तरह उन्होंने बताया कि जो लोग बाहर इस वक्त जो बाहर जॉब करें या बाहर स्टूडेंट्स हैं तो वही जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कॉन्टैक्ट में भी आए। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस वक्त की यही अपडेट थी कि जो है 5 पॉजिटिव केस पुंछ से सामने आए, वहीं रजौरी से एक पॉजिटिव केस सामने आए, वहीं रामबन से भी जो है एक पॉजिटिव केस जो है सामने आए। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, और बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जेके न्यूज़ 24 के साथ।